अनायास ही हाथ लग गया करहिया बैंक डकैती का मुख्य आरोपी शत्रुघ्न पांडे। हम आपको लेकर चलते हैं कुछ समय पहले हुई करहिया बैंक डकैती के घटना स्थल पर और दिखाते हैं किस तरह से लाखों की बैंक डकैती को कुछ लोगों ने कैसे अंजाम दिया था। बैंक डकैती की घटना के बाद पुलिस ने काफ़ी हाथ पैर पटके, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। बीतते वक्त के साथ पुलिस की सक्रियता इस मामले पर कम हो गई, लेकिन एकाएक एक ऐसी घटना घट गई जिसमें इस मामले सहित लूट के कई मामलों का मुख्य आरोपी पुलिस के हाथों चढ़ गया। जी हाँ, अभी 3-4 दिन पूर्व बभनी गांव में एक छोटी बच्ची की ठोकर मोटरसाइकिल से हो गई थी। गांव वालों ने मोटरसाइकिल सवार को रोका तो कट्टा निकाल आरोपी ने फायर कर दिया। एक आरोपी भाग गया, एक पकड़ा गया। पकड़ा गया आरोपी पुलिस पूछताछ में बैंक डकैती का सरगना निकला, जिसने कई डकैती स्वीकारी हैं, जिसमें प्रमुख है शहडोल जिले के ब्योहारी थाना के पपौधा गांव में 25 लाख की लूट। सर, रायपुर में हमने घटना किया था, दूसरी घटना पपौध में, तीसरी हमने करहिया बैंक को लूटा था। रायपुर में क्या घटना की? रायपुर में नारायणा हॉस्पिटल से कैशियर पैसा लेकर जा रहा था, उसको लूट लिए थे। कितना पैसा लूटा था? उसमें 9 या 10 लाख रुपए के आसपास थी। पूरी घटना भाई किस तरह से योजना बनाते थे, कैसे मारते थे, फिर कहाँ ले जाते, कैसे भाग पाते थे आप लोग? वहाँ एक आदमी रहता था अजय मिश्रा, नारायण हॉस्पिटल में, जो वहाँ का सुपरवाइजर था, उसने बुलाया। उसके बुलाने में गए हम लोग तो वहाँ काम करते थे, और उसके बाद पपौंद का काम हो गया, संतोष मिश्रा करके था, वो लेके गया था हमको। और उसके बाद ये काम हो गया करहिया का। मेरा वकील रणविजय सिंह और शशांक पाठक, ये ऐसे वकील हैं कि कहते हैं कहीं भी लूट करो 50,000 रुपये हमको दो, हम तुमको छुड़ा देंगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, तुम्हारा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा बोलते हैं। इनके दम पे हम लोग काम करते थे कि वकील बढ़िया हैं, छुड़ा देंगे। जो आपने करहिया बैंक में डकैती को अंजाम दिया, किस तरीके से किया, क्या इससे पहले भी आपने? बिलासपुर से वापस आ रहे थे तो रास्ते में पैसे खर्च हो गए थे। एक आदमी जो जिया खान है वो गया था अंदर, देख के आया, बोला खाली है, इसी को लूट लेते हैं, घुस करके लूट में चले गए साहब। मतलब जहाँ भी मिल जाता था योजना तुरंत बनाते थे, तुरंत वारदात करते थे? इसकी कोई योजना नहीं थी, बस अचानक इसमें आगे घुस गए। डर नहीं लगता तुम लोग को, इतने अपराध है, इस तरह से अपराध करते? नहीं, डर नहीं लगता साहब। असलहे आप लोग कौन उपलब्ध कराता है, कहाँ से? असलहे बिहार से आते हैं। कौन देता है? मुंगेर से। वहाँ कौन सप्लाई करता है? वो वहाँ का एक मुकेश ठेकेदार, मुकेश है, मुकेश सिंह ठाकुर है वहाँ का, मुंगेर का, वही फैक्ट्री में कहीं अपना काम वाम करता है, तो उसके द्वारा संतोष मिश्रा टच है, संतोष मिश्रा ला करके हम लोगों को दे देते हैं। अभी जब सिमरिया आए थे तो कोई वारदात को अंजाम देने आए थे कुछ? फिर नहीं, कुछ नहीं, मैयर गए थे दर्शन करने के लिए, लौट रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उसी में जो है छीना झपटी में गोली चल गई, उसी में हम पकड़े गए पब्लिक और ये सब साहब लोग ले आए। मैयर से लौटते समय कोई वारदात किए थे? नहीं, कोई नहीं किए थे। यहाँ कोई सहयोगी है आपका रीवा में? जो सहयोगी रीवा मेरा कोई नहीं है, रीवा में संतोष मिश्रा का ही लोग हैं, वही लेके आता है हम लोग, बाकी यहाँ मेरा कोई नहीं। कहाँ का संतोष? संतोष मिश्रा वैसे तो कौशाम्बी का है, लेकिन शंकरगढ़ में बहुत पुराने से रहता है, मतलब निवासी शंकरगढ़ का हो गया है। इतनी लूट के पैसा सब कहाँ जाता, कैसे बंटवारा होता है, कहाँ पैसा सब फोन कचहरी से आप इधर उधर खर्च हो जाता है सब, और फरार रहते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता है पैसा। जब सब खर्चा हो जाता है तो लूट करने का मतलब क्या? फिर लूट करने का मतलब मजबूरी है। क्या मजबूरी? कोर्ट कचहरी में खर्चा करना, और जो है घर का खर्चा चलाना, अपना शौक पूरा करना, दुश्मनी से बचना। कितने साल से इन घटनाओं में आप? लगभग 12 साल हो गया। कितने सदस्य हैं आपकी टीम में? हमारे टीम में 4-6, 7-8 लोग हैं जो कि इधर उधर सब फरा रहे हैं, अभी कुछ लोग अंदर भी हैं। आप लोग घर परिवार वालों सबको मालूम रहता है ये घटना? नहीं, कोई मालूम नहीं रहता, उनकी मर्जी से कोई काम नहीं करते, हम लोग उनको बताते नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। बैंक लूट का भी रिकॉर्ड, ये विगत वर्ष जिला शहडोल में पपौंद थाना क्षेत्र में भी घटना हुई थी। वहाँ पे लोगों ने एक कैश वैन जा रही थी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा करने की, उस कैश वैन को लूट किया था, और उसमें जो है 20 लाख रुपए जो है वो इन्होंने पाए थे। इसी प्रकार इससे पहले रायपुर में नारायणा हॉस्पिटल में इन्होंने लूट की थी, उसमें भी लोग संलिप्त रहे। इसके इतर जो है इनका यूपी में भी जगह जगह बैंक स्पेशली कौशाम्बी वगैरह में भी कुछ घटनाएं हुई हैं, उस बारे में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।